उत्तराखंड आवास विकास परिषद जो हमारे उत्तराखंड के अंदर कुछ ऐसी संपत्तियां हैं जिनको हमारे परिसंपत्तियों के बंटवारे के दौरान उत्तराखंड को अभी हमें प्राप्त हुई है, और ये हमें जो 17 अगस्त 2019 को पहले उसका समझौता हुआ और उसके बाद फिर दोबारा माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मध्य जो समझौता हुआ उसके तहत जो निर्णय हुए, आज हम उसी निर्णय के आधार पर चल रहे हैं। इसमें हमारे पास देहरादून के अंदर दून बिहार योजना, इंदिरा नगर योजना, नेहरू कॉलोनी योजना, ऋषिकेश में वीरभद्र मार्ग योजना, श्रीनगर चूंकि प्रस्तावित है भक्तियाना मार्ग योजना, हरिद्वार में शिवपुरी योजना, शिवालिक नगर योजना, बहादुराबाद मार्ग योजना फेस नंबर 1, 2, 3, 4, रुड़की में गंगा विहार योजना परिषद, और ऐसे ही ये जो है इसका क्षेत्रफल है 834.7 एकड़ और 150 नाली। कुमायूं मंडल में 8 योजनाएं हैं 318.77 एकड़ की हैं, जिसमें अल्मोड़ा है, हल्द्वानी है, रुद्रपुर है, कटीमा है, किच्छा है, गदरपुर है, काशीपुर है, जसपुर है। अभी तक हमारे पास जो गढ़वाल मंडल में है कुल आवंटित संपत्तियों की संख्या है 10,144, जिसमें अभी तक सभी योजनाओं की जो 38 हमारी संपत्तियां हैं वो भी रिक्त हैं। ऐसी हमारी कुमायूं मंडल में 6,164 कुल आवंटित संपत्तियों की संख्या है और इसमें 213 कुल रिक्त संपत्तियों की संख्या है। अभी मुख्य रूप से हम लोग जो हैं, जो हमारा क्रियाकलाप है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, संपत्तियों का नामांतरण, संपत्तियों का फ्रीहोल्ड और विक्रय अभिलेख, संपत्तियों के मानचित्र का स्वीकृत करना और नई परियोजनाओं का गठन करना। इसमें हमारे पास जो PMAY शहरी में जो स्वीकृत योजनाएं हैं वो 25 थी, जिसमें 6 निरस्त हुई। आज की तारीख में 19 योजनाएं हैं जो हमारे पास अभी हैं, हरिद्वार में, नैनीताल में, उधम सिंह नगर में। इसमें हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास बनने हैं जिनकी संख्या है 16,776। मैंने इसी प्रकार से अपने जो हमारे आज हम लोग बैठे उसमें बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि एक हम लोग जो हमारा आवास विकास परिषद बना है, इसकी बोर्ड की आज हम लोग मीटिंग करेंगे बहुत जल्द, और उस मीटिंग के माध्यम से जो लंबित विषय हैं उसका उसके ऊपर हम निर्णय लेने वाले हैं। और ये जो प्रधानमंत्री आवास योजनाएं हैं जो हमें 19 जगह पे हमें करना है, उसके लिए भी मैंने कहा इसमें तेज़ी लाई जाए। उससे क्या होगा, हमारी गवर्नमेंट का राजस्व बढ़ेगा, आम जनताओं के हित सुरक्षित होंगे, और इन कामों में जो अभी तक उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद की कोई बैठक नहीं हुई उसकी बैठक के माध्यम से, हमारे इस परिषद के माध्यम से होने वाले कामों में गति आएगी। तो अभी तक हमने ये बात की है और बहुत जल्द हम इसकी बैठक बुलाने वाले हैं।